हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरती वेज किचन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बरसात का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आपको मिल जाए कुछ चटपटा तो मौसम का मज़ा और भी बढ़ जाता है। इसीलिए आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी तरह की एक चटपटी और यूनिक डिश जो शायद ही आपने पहले कभी खाई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की ये रेसिपी। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक कटोरी गेहूँ का आटा और एक कटोरी मैदा। आप चाहें तो इसे मैदा से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम इसका डो तैयार करेंगे। हम अपनी मैदा और आटे को एक बड़े बाउल में डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से हमारी इस डिश में बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, थोड़ा सा नमक। नमक हमें अपने स्वाद अनुसार ही डालना है। इस नाश्ते को क्रिस्पी करने के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आटा इस तरीके से मुट्ठी में बंद होना चाहिए। इससे आपको इस बात का पता लगता है कि हमारे आटे में मोमन परफेक्ट पड़ा है। चलिए अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अपना एक डो तैयार करेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाना है, वरना हमारा डो गीला हो सकता है। ये हमारा डो बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ना, ये ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही इसे हमने हार्ड रखा है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देते हैं। चलिए अब हम तैयार करेंगे एक आलू का पेस्ट, जिससे हमारे नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आने वाला है। इसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डालकर गरम किया है। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ा सा जीरा और बारीक कटे हुए प्याज। हमें प्याज को लाइट ब्राउन होने तक भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। नमक हमें थोड़ा ही डालना है क्योंकि हमने अपने डो में भी नमक का यूज़ किया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू। हमें अच्छे से इसे मैश कर डालना है। यहाँ पर हमने दो आलू का यूज़ किया है। हमने अपने आलू को डाल दिया। अब हम इसमें डालेंगे हरी मटर। इस मटर को हमने पहले से उबाल कर रखा था। चलिए इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमारे आलू और मटर अच्छे से मसाले में मिक्स हो चुके हैं। चलिए इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल लेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस की जगह आप आमचूर पाउडर का यूज़ भी कर सकते हैं। चलिए इसे हम एक बार फिर से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिक्सर बंद कर तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। ये हमारा मिक्सर ठंडा हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे से बॉल तैयार करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हमने इसका बॉल तैयार किया। हमें बाकी के सभी भी इसी तरह से बना लेना है। ये हमारे सारे बॉल बनकर तैयार हो चुके हैं। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि फिलिंग करने में इससे बहुत आसानी रहती है। अब हम चेक कर लेते हैं अपने डो को। आप देख सकते हैं हमारा डो भी अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। चलिए अब हम इसे थोड़ा सा मसल लेते हैं, जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनेगा और बेलने में इसकी लोई फटती नहीं है। चलिए अब हम बना लेते हैं इसकी लोइयाँ। हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करेंगे। अब हम डो में से ले लेते हैं थोड़ा सा आटा और हाथ से इसे मसलते हुए इसकी एक लोई तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी लोई बिल्कुल चिकनी बनकर तैयार हुई है। चलिए अब हम इसकी एक पूड़ी बेल लेते हैं। हमें इसे इस तरीके से बेलन से अच्छे से बेल लेना है। आप देख सकते हैं ये हमारी पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमें ना तो बहुत ही ज़्यादा मोटा करना है और ना ही पतला। अब हम इसमें रख लेते हैं अपना तैयार आलू की बॉल और इसे चारों तरफ से अच्छे से दबाते हुए बंद कर देना है। ये हमने अपने पटैटो बॉल को अच्छे से तैयार कर लिया है। इसी तरह से हम अपनी बाकी की सारी पटैटो बॉल भी तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से हमने अपनी बाकी की सारी पटैटो बॉल भी बना ली हैं। अब इसे कर लेते हैं फ्राई। इसे फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म कर लिया है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें इसे मध्य आँच में ही सेकना है, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक सके। यहाँ पर हम अपने पटैटो बॉल को चार चार करके फ्राई करेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी एक बार में सेक सकते हैं। इसे हमें दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ये हमारे पटैटो बॉल अच्छे से सेक कर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह से हमने अपने बाकी के सारे पटैटो बॉल भी सेक लिए हैं। चलिए अब हम इन्हें करते हैं सर्व। सर्व करने के लिए आप चाहें तो इन्हें चटनी के साथ ऐसे भी सर्व कर सकते हैं।
या इसे चाट की तरह भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे देते हैं फाइनल टच। फाइनल टच देने के लिए हम इसे चाट की तरह सर्व करने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिया है एक दोना, जिसमें अब हम डालेंगे अपने पोटैटो बॉल, इसे आप गोल समोसा भी कह सकते हैं। इसे हम तोड़ लेते हैं, हमने इसे बीच से तोड़ लिया है। अब हम इसमें डालेंगे अपनी इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, ये हमारी घर की तैयार की हुई चटनी है। अब हम इसमें डालेंगे हरे धनिया की चटनी, ये थोड़ी स्पाइसी और खट्टी है, इससे हमारी चाट का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और अपने इस चाट को टेस्टी करने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दही, काला नमक और भुना हुआ जीरा पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ भी कर सकते हैं, हमारी चटनी स्पाइसी थी इसलिए हमने यहाँ पर लाल मिर्च का यूज़ नहीं किया है। अब हम इसके ऊपर से डालने वाले हैं बारीक कटा हुआ प्याज, जिससे हमारी चाट का टेस्ट और अच्छा हो जाता है। चलिए ये हमारी गर्मा गर्म चाट सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे आप एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप भी इसी तरह की अच्छी अच्छी टेस्टी रेसिपीज़ का मज़ा घर बैठ के लेना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ला सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।